मैं एमपी सिंह, इंचार्ज मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हिवेट पॉलिटेक्निक से, और इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल नॉमेनक्लेचर पार्ट वन के बारे में, डिफरेंट एंगल्स एंड देयर यूजेस। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल नॉमेनक्लेचर, इस पोर्शन में समझने के लिए हम लोग देखेंगे कि जो टूल सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जो बेसिकली लेथ पे समझ रहे हैं हम लोग कि जो टूल जो बेसिकली लेथ पे मशीनिंग करने जा रहा है उसके क्या क्या पार्ट्स हैं, क्या क्या एंगल हैं, और उन एंगल को कम या ज़्यादा करने पे हमारे बेसिकली मशीनिंग पे क्या उसका इम्पैक्ट पड़ता है। इसमें समझने के लिए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में हम दो चीज करेंगे समझने के लिए। जैसे अगर टूल वर्क पीस पे फीड दे रहे हैं, फीडिंग मोमेंट दे रहे हैं, तो जब वर्क पीस पे नोज टच करेगा तो उसके दो पोर्शन होंगे। वन पार्ट ऑफ द टूल इज क्रॉसिंग ओवर द अनमशीन सरफेस, यानी जिस पे मशीनिंग करनी है उसके ऊपर नोज पास ऑन होगा, यानी एक, और दूसरा पोर्शन वो होगा जो मशीन सरफेस पे पीछे से है। दो पार्ट में समझने की कोशिश करेंगे टूल को, तब ज्यादा समझ में आएगा कि एक मशीन सरफेस जिस पे मशीनिंग करनी है उस पे से पोर्शन होगा यानी अनफिनिश्ड है, और पीछे पोर्शन उसका फिनिश्ड होता जाएगा और टूल हमारा कंटिन्यूअस फीड के साथ आगे बढ़ता जाएगा। इसमें अगर हम नोज को टच कराने पे, दो पार्ट को समझना है, दो नोज को टच कराने पे वन पोर्शन वन साइड, अनदर पोर्शन अदर साइड। तो इसमें समझते हैं इसमें लिए कि सबसे पहले क्या क्या है, पार्ट्स क्या क्या है, ये टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू, इसको बेटर राउंड कर लेते हैं। दिस इज द टॉप व्यू जो हमारा है, फ्रंट व्यू, एंड दिस इज आवर साइड व्यू। जब टूल को टॉप से देखेंगे तो ये शैंक है, दिस इज द शैंक। शैंक का बेसिकली क्या यूज है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को लेथ के, चाहे कॉलम टाइप टूल पोस्ट हो चाहे फोरवे टूल पोस्ट हो, उसके बीच में इसको बांधने का काम करते शैंक। शैंक इज डू ओनली टू होल्ड द टूल विद द टूल पोस्ट। तो शैंक से टाइट कर देते हैं, नोज को एडजस्ट करते हैं, नोज को आगे रखते हैं ताकि वो मटेरियल पे टच करेगा, दिस इज द नोज। तो सबसे पहले हम इस व्यू को, फर्स्ट व्यू, इसको डिस्कशन करेंगे यहाँ पे, दिस इज द फर्स्ट फॉर दिस। इन दिस फर्स्ट टॉप व्यू में अगर हम आते हैं तो सबसे पहले हम जो पार्ट डिस्कशन करना चाह रहे हैं, एक एक एंगल को डिस्कस करेंगे कि वो एंगल क्यों रखते हैं, उसका क्या काम है और उसका क्या इफेक्ट है। पहला है साइड कटिंग एज एंगल। ये देखिएगा, साइड कटिंग एज एंगल, अगर मैं इधर भी इस लाइन को ड्रॉ कर दूं, स्ट्रेट लाइन, दिस लाइन के स्ट्रेट अगर कर दें तो दिस एंगल इज ऑल्सो साइड कटिंग एज एंगल। यहां समझाने के लिए दिस इज ऑल्सो साइड कटिंग एज एंगल। साइड कटिंग एज एंगल का सिलेक्शन किस बेसिस पे करते हैं, साइड कटिंग एज एंगल का सिलेक्शन बेसिकली किस तरह का मटेरियल है, हार्ड मटेरियल है या सॉफ्ट मटेरियल है, कितना अमाउंट, एंगल का मतलब होता है अमाउंट। दूसरा, कितनी हमारी कटिंग स्पीड है, यानी कितना तेज हमारा वर्क रिवॉल्व कर रहा है, क्या उसकी फीड है, यानी एक रेवोल्यूशन में टूल कितने तेजी से वर्क मटेरियल के ऊपर पास ऑन होगा, और कितना हम उस पर डेप्थ ऑफ कट देते हैं, दैट इज द सिलेक्शन ऑफ द साइड कटिंग एज एंगल। इस एंगल को या इस एंगल को डिफाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं। सिंपल सी बात है, अगर हार्ड मटेरियल है हमारे पास, इफ वी यूजिंग द हार्ड मटेरियल, दिस एंगल विल बी स्मॉल। अभी डिस्कस करेंगे आगे इसके एंगल के कम या ज्यादा होने से बेसिकली क्या इंपैक्ट होता है। और अगर हमारे पास सॉफ्ट मटेरियल है तो उसमें हम इसके एंगल को बढ़ा सकते हैं, डेप्थ ऑफ कट बढ़ा सकते हैं, कटिंग स्पीड बढ़ा सकते हैं सॉफ्ट एंगल पे। और तीसरा है हमारा जो है
हाई कटिंग स्पीड अगर रखते हैं तो फिर भी हम यस, अगर बेसिकली अगर कुछ नहीं है और अगर हम हाई कटिंग स्पीड रख रहे हैं तो साइड कटिंग एज एंगल हमारा कम होगा। ये बातें ध्यान में रखनी है। द सेलेक्शन ऑफ द मटेरियल एंड द चॉइस ऑफ द कटिंग स्पीड फीड एंड डेप्थ ऑफ कट, इसको ध्यान में रखते हुए। इसको देते क्यों है, बट वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू गिव द साइड कटिंग एज एंगल। जस्ट सपोज आई एम गिविंग द फीड इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में हम फीड देना शुरू करते हैं। अगर फॉर द एग्जाम्पल वी आर गिविंग द फीड इन दिस डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन में जब फीड देंगे तो सबसे पहले नोज कॉन्टेक्ट में आएगा। नोज कॉन्टेक्ट के आने बाद ये इसका कटिंग एज है, यू सी दिस इज द कटिंग एज। जब नोज कॉन्टेक्ट पे आएगा वर्क मटीरियल के और प्रेशर देंगे, और प्रेशर देने के बाद डेप्थ ऑफ कट देने के बाद जब फीड देना शुरू करेंगे तो उस कंडीशन में होता है कि बेसिकली पॉइंट कॉन्टेक्ट से लाइन कॉन्टेक्ट की ओर जाए। ये पॉइंट कॉन्टेक्ट से लाइन कॉन्टेक्ट की ओर जाने का से क्या फायदा होगा, कि फायदा ये होगा कि फोर्स ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा। जब फोर्स ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा तो हमारे टूल में फोर्सेस के डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर रहेगा, एकदम से इम्पैक्ट या शॉक या वाइब्रेशंस नहीं क्रिएट होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी है पॉइंट कॉन्टेक्ट से लाइन कॉन्टेक्ट पे आना। जनरली यहाँ पे लिखा है प्रिवेंट इंटरफेस एज ए टूल इंटर द वर्क मटेरियल, ये है प्रिवेंट इंटरफेस एज ए टूल इंटर द वर्क मटेरियल। यानी अगर टूल को हम वर्क मटेरियल पे इंटरफेस करने जा रहे हैं तो कैसे आए, द फर्स्ट विल नोज विल बिकम टू द कॉन्टेक्ट टू द वर्क मटेरियल। नोज जो है वो पहले वर्क मटेरियल से आएगा कॉन्टेक्ट में और फिर कटिंग एज आएगा। दूसरा क्या है, इन्होंने बताया जैसे 15 से 30 डिग्री तक रखते हैं इसका एंगल को, ज्योमेट्रिकल वैल्यूज में भी 0 to 90 degree, ओके ऑर्थोगोनल या ऑब्लिक कटिंग है तो दोनों में है। इसमें अगर इन एंगल्स को हम स्मॉल या लार्ज करते हैं तो इनका क्या इम्पैक्ट आता है, इसको समझना बड़ा जरूरी है। कि सपोज करें यहाँ पे जैसे लार्ज एंगल, लार्ज एंगल यानी इस एंगल को हमने बढ़ा दिया, यहाँ पे इस एंगल को बढ़ा दिया, यानी कटिंग एज पीछे की ओर जाएगा। कटिंग एज अगर पीछे की ओर जाएगा तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, जब कटिंग एज पीछे की ओर जाएगा तो डेप्थ ऑफ कट आपका बढ़ जाएगा, मोर डेप्थ ऑफ कट यू कैन गेट इट। तो सॉफ्ट मटेरियल अगर है हमारे पास इस तरह के जिसमें आपको फीड ज्यादा देना है, डेप्थ ऑफ कट एक बार में ज्यादा देना है, कटिंग स्पीड ज्यादा रहनी है, उस कंडीशन में आप इसको लार्ज एंगल रख सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम आएगी, द चैटर्ड नॉइस में भी कम, चैटर्ड कड़कड़ कड़कड़ की आवाज जिसे कहते हैं वो टूल पे आने लगेगी, दैट इज द कॉज ऑफ दिस। कटिंग एज हमारा वीक होता है, कटिंग एज हमारा वीक होता है, फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है, फोर्स अधिक लगाना पड़ेगा काटने के लिए, और फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बेसिकली एक्सियल और थ्रस्ट फोर्स एकदम से हमारा ज्यादा आएगा। पहले नॉइस नोज अगर कॉन्टेक्ट अगर हमारा आता है उसके बाद एक फोर्स और बढ़ाना शुरू करते हैं, ज्यादा एक्सपोज आएगा, ज्यादा कटिंग एज हमारा वर्क मटेरियल के अंदर जाएगा, तो उस कंडीशन में रेडियल एंड एक्सियल थ्रस्ट दोनों की वैल्यू हमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और वे वैरी करता है बढ़ने के साथ। सबसे बड़ी बात है इट्स विल वैरी ड्यूरिंग द एक्सियल एंड रेडियल थ्रस्ट, दोनों होता है, जब एक थ्रस्ट आएगा थ्रस्ट फोर्स और रेडियल फोर्स दोनों हमारा बढ़ जाएगा फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस कंडीशन में इस एंगल को हम अगर ज्यादा रखते हैं तो उसके लिए। दूसरा आता है लेस एंगल, ग्रेटर स्ट्रेंथ, लेस डेप्थ ऑफ कट, सडन लार्ज एरिया ऑफ द कटिंग एक्सपोज्ड। पहले कहते हैं, देखते हैं ग्रेटर स्ट्रेंथ। ग्रेटर स्ट्रेंथ कैसे आएगी, जब ये एंगल बेसिकली ये साइड कटिंग एज एंगल को अगर हम कम करेंगे तो कम करने के बाद हमारा क्या होगा कि नोस जब वर्क पीस को टच करेगा
तो नोज नोज जब वर्क पीस को टच करेगा तो, और जब हम डेप्थ ऑफ कट बढ़ाएंगे तो उस कंडीशन में ए ब्रॉड एरिया ऑफ द टूल कटिंग एज विल बी एक्सपोज टू द वर्क मटेरियल, एक बहुत बड़ा एरिया तुरंत वर्क मटेरियल के कॉन्टेक्ट में आएगा, जिससे वहां पे हीट जनरेशन ज्यादा होगी, हीट डेसिपेशन नो डाउट ज्यादा रहेगी लेकिन हीट जनरेशन एकदम से ज्यादा होगी। जो हमारा चिप निकलेगा उस चिप की थिकनेस चौड़ी होगी, थिकनेस नहीं विड्थ जो होगा उसका चौड़ा होगा और थिकनेस हमारी पतली होगी, लेकिन हम अगर और कटिंग करना चाहेंगे तो हमें एक्सेसिव फोर्स लगाना पड़ेगा उसको कट करने के लिए। एक इसमें ड्रॉबैक है, सडन यू एक्सपोज ए लार्ज एरिया टू द वर्क मटेरियल, वर्क मटेरियल पे एक लार्ज एरिया आप तुरंत एक्सपोज करते हैं तो चिप लोड एकदम से ज्यादा होगा। इस कंडीशन में चिप का फ्लो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, इट इज नॉट ए यूनिफॉर्म फ्लो ओवर इट, और फोर्सेस बहुत ज्यादा लगाने पड़ेंगे। तो ये ज्यादातर हम यूज करते हैं हार्ड मटेरियल्स के लिए, तो उसमें फिर वो हार्ड मटेरियल्स अगर यूज कर रहे हैं हम तो उस कंडीशन में जो चिप का होता है वो कंटिन्यूस चिप नहीं बनते हैं बल्कि सेगमेंटल टाइप ऑफ द चिप बनते हैं, टुकड़ों टुकड़ों में वो टुकड़े निकलते रहते हैं, वो प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल के हैं, वो भी अंडर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ही है, लेकिन कंटिन्यूअस रिबन टाइप ऑफ चिप जो है वो सॉफ्ट मटेरियल में बनता है। तो कंटिन्यूअस रिबन टाइप ऑफ चिप अगर निकल रहा है तो उस कटिंग में उसमें हम साइड कटिंग एज एंगल लार्ज कर देते हैं, और अगर हमारा कंटिन्यूअस चिप अगर सेगमेंटल टाइप में निकल रहा है, वो हार्ड मटेरियल में सेगमेंटल में ही निकलता है, तो उस कंडीशन में हम इस साइड कटिंग एज एंगल को कम कर देते हैं। सो दिस इज द वन थिंग फॉर द साइड कटिंग एज एंगल, अगर इन्हें घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा हमारी मशीन पे। ठीक है, दूसरी बात आती है हमारा नेक्स्ट है, इसमें साइड कटिंग एज एंगल, नोज लिप एंगल, बैक रेक एंगल, अभी एक एक बार डिस्कस करेंगे इसमें। दिस इज द एंड क्लियरेंस एंगल, यहां से यहां पूरा एंड क्लियरेंस एंगल। इसमें एक चीज और है जिसे मैं कहता हूं इसमें नहीं बताया है, दिस इज द फ्लैंक। फ्लैंक क्या होता है, दिस इज योर फ्लैंक, ये जो एक लाइन आ रही है फ्रंट व्यू में हमको दिख रही है, रेड लाइन है जिसपे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, सॉरी दिस इज योर फ्लैंक, फ्रंट से देखेंगे और जब इसके फ्रंट व्यू से देखेंगे तो टू लाइन विल बी सेपरेटेड, वो लाइन दो जगह में सेपरेट करेगी, एक पोर्शन वो होगा जो मशीन सरफेस से पास ऑन होगा, मशीनिंग जहां करनी है वो सरफेस से पास होगा, और दूसरा फ्लैंक का दूसरा हिस्सा वो होगा जो मशीन सरफेस से पास होगा, यहां जहां पे मशीनिंग हो गई, यानी एक अनमशीन सरफेस से पास होगा और एक मशीन, जब इसको सामने से देखेंगे द शार्प एज विल बी कम देयर, बट वो स्ट्रेट में नहीं होगा, वो नॉट जॉइंट एट द मिडिल बट जस्ट लिटिल इंक्लाइंड, ये इंक्लाइंड है। अगर मैं अगर यहां पे बोलूं इस कंडीशन में बोलूं इस डायग्राम में, तो दिस इज योर दिस लाइन, दिस लाइन इज योर फ्लैंक, दिस इज योर फ्लैंक, ठीक, दिस इज योर फ्लैंक एंड दिस इज योर फ्लैंक। फ्रंट व्यू में अगर देखते हैं, इसमें नहीं है डायग्राम, क्योंकि ये फ्लैंक बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिकली ये इंटरफेस नहीं करना चाहिए वर्क मशीन के साथ, क्योंकि हर बार जब वर्क रिवॉल्व करेगा तो वो कटिंग एज जो वर्क पीस का जो टॉप में होगा वो हर बार वर्क मटेरियल रिवॉल्व करके टॉप नोज पे आएगा, और नोज से आके वो इस कटिंग एज के ऊपर एक्सपोज करेगा। सो कटिंग एज का एरिया ना कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए, और जितना सिलेक्शन होता है वो हम मटेरियल की प्रॉपर्टी, कटिंग स्पीड, फीट और डेप्थ ऑफ कट के हिसाब से सेलेक्ट करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट आता है एंड कटिंग एज एंगल। एंड कटिंग एज एंगल क्या है? दिस इज योर एंड कटिंग एज एंगल। यहां पे ये एंड कटिंग एज एंगल है, यह हमारा साइड कटिंग एज एंगल था, ये हमारा एंड कटिंग एज एंगल है। एट एंड कटिंग एज एंगल वो है, मैंने बताया कि आप हमेशा दो पार्ट में लीजिएगा, एक वो हिस्सा जो अनमशीन सरफेस से पास होगा और एक वो हिस्सा टूल का जो मशीन सरफेस से पास होगा। उसमें क्या लिखा है, रिलीफ ऑफ ए ट्रेलिंग एंड ऑफ द कटिंग एज टू प्रिवेंट द रबिंग ओवर द मशीन सरफेस। यानी जब टूल, जब नोज और कटिंग एज सरफेस को मशीन कर देंगे और टूल फर्दर आगे मूव करेगा तो टूल का कोई भी एंड, कोई भी प्रोजेक्शन वो मशीन सरफेस को टच ना करे। उसके लिए ये दिया है रिलीफ ऑफ द ट्रेलिंग एंड ऑफ द कटिंग एज टू प्रिवेंट द रबिंग ओवर द मशीन सरफेस, यानी मशीन सरफेस के ऊपर वो रब ना करे, अदरवाइज वो डैमेज कर देगा उस सरफेस को। तो इसको ना कम करना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए, दैट इज द, इसके लिए हम जनरली आगे देखते हैं। एंगल मे बी फ्रॉम 8 to 15 degree, कई ज्यादा नहीं करना है, कम भी नहीं करना है, 8 to 15 degree। लार्ज एंगल मेक्स वीक टूल। अब इसकी बात करते हैं, अगर 8 to 15 degree है और अगर ये एरिया अगर ज्यादा हो गया तो क्या होगा, फर्स्ट लार्ज एंगल मेक द वीक टूल। जैसे हम, मैंने आपको पहले बताया था, जब नोज, नोज और कटिंग एज, ये जो कटिंग एज है हमारा, नोज और कटिंग एज जब कांटेक्ट में आते हैं तो जनरली ये हमारा ऑब्लिक कटिंग है तो इसमें तीन फोर्स होते हैं, थ्रस्ट फोर्स, रेडियल फोर्स और कटिंग फोर्स। इनका एक रिजल्टेंट फोर्स निकलता है, वो रिजल्टेंट फोर्स वहां पे उसको जो आता है तो पूरे टूल के अक्रॉस होते हुए निकलता है। जब वो अक्रॉस होते हुए चलता है तो उसमें यही है कि अगर ये एंड कटिंग एज एंगल कमजोर होगा तो वहां पे उसका जो रिजल्टेंट फोर्स जाएगा उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर ये एंगल हमारा लार्ज कर देंगे तो लार्ज अगर करते ही ये हमारा टूल वीक हो जाएगा। दूसरा क्या है, हीट डेसिपेशन जो होगा वो नोज और कटिंग एज से आएगा तो फ्लो अप रहेगा वो एंड कटिंग एज की ओर। एंड कटिंग एज की ओर हीट की फ्लूडिटी ज्यादा रहेगी, जो चिप फ्लो होगा उसको भी एंड कटिंग एज की ओर ही निकालते हैं, क्योंकि जो चिप फ्लो हो वो किसी भी हालत में हमारे कटिंग एज, नोज या वर्क मटेरियल के बीच में नहीं आना चाहिए, अदरवाइज चिप जो है वो मशीन सरफेस को डैमेज कर देगा। इट चिप शुड नॉट बी इंटरफेस बिटवीन टूल एंड वर्क पीस, वो कहाँ आना चाहिए, वो बैक साइड। तो कटिंग एज एंगल जो है ये भी प्रोवाइड करता है एक हीट डेसिपेशन, मदद करता है, प्रॉपर नहीं वो बैक रैक में है बताएंगे, मदद करता है एंड कटिंग एज एंगल उसमें उसको रिमूव कराने में, कि ऐसा फ्लो देना है कि चिप फ्लो होके मूव ऑन कटे एंड कटिंग एज को, यानी जो मशीन सरफेस है उस तरफ हो जाए, इसमें ये मदद करता है, उसका बैक रेक एंगल से है और चिप फ्लोडिटी है, उसको आगे बताते हैं। सो दूसरा हीट डेसिपेशन, अगर लार्ज एंगल हम कर देंगे, मेक द लार्ज एंगल कर देंगे, हीट डेसिपेशन हमारा स्लो हो जाएगा। ठीक, एजिंग जो स्ट्रेंथ है वो हमारी वीक हो जाएगी। दूसरा अब हमारा आता है लेस एंगल, अगर हम उस पे दें, अगर इसके एंगल को कम कर दें तो नो डाउट है हमारा टूल की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, बट लेकिन एक प्रिकॉशन ये रखना होगा कि डेप्थ ऑफ कट अगर हम बढ़ा देंगे और डेप्थ ऑफ कट बढ़ा के और फीड अगर हम बढ़ाते हैं तो उस कंडीशन में संभावना है कि कटिंग एज का जो ये एज पोर्शन है इट में एक्सपोज टू द वर्क मटेरियल, ये वर्क मटेरियल पे एक्सपोज हो सकता है,
तो लिमिटेशन रहेगी कि ज्यादा मात्रा में हम डेप्थ ऑफ कट और कटिंग फीड को, सॉरी डेप्थ ऑफ कट और फीड को हम ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। अगर हम ज्यादा बढ़ाएंगे तो उस कंडीशन में चिप का इन बिटवीन दीज मतलब मशीन सरफेस के कांटेक्ट में हमारा कटिंग एज की ये लाइन आ सकती है। तो एंगल ना कम हो होगा ना ज्यादा होगा, 8 to 15 डिग्री। अगर ये एंगल ज्यादा हो गया तो हमारा क्या होगा, उस कंडीशन में हमारा नोज भी जो है वो वीक हो जाएगा, नोज की जो स्ट्रेंथ होगी वो वीक होगी अगर इस कटिंग एज एंगल को बढ़ा देते हैं। और कटिंग एज एंगल को कम कर देते हैं तो नोज पे स्ट्रेंथ प्रॉपर आ जाएगी, नोज हमारा स्ट्रेंथ होगा, क्योंकि बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल फोर्स पहले जो आएगा वो नोज पे ही आएगा। अगर ये एंगल हमारा ज्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में समझना होगा कि नोज जब वर्क मटेरियल पे चलेगा एंगल से ज्यादा होने पे, तो इट मे बी प्रोबेबिलिटी टू कम द चैटर्ड नॉइस, कड़कड़ कड़कड़ की आवाज जो है ये बढ़ जाएगी अगर ये एंगल हम इसको बढ़ा दें। तो रफ टर्निंग अगर हमें करनी है, रफ टर्निंग करने के लिए है हम स्मॉल एंड कटिंग एज एंगल यूज करते हैं, जब फिनिश टर्निंग करनी है तो हम ये लार्ज एंड कटिंग एज एंगल का यूज करते हैं फिनिश टर्निंग के लिए। रफ टर्निंग करने के लिए स्मॉल का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें रफ टर्निंग में ज्यादा फोर्स होता है, जो फोर्सेस होते हैं वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, उस कंडीशन में अगर मशीन सरफेस हमारा खराब भी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जब फिनिशिंग टर्निंग करनी होगी तो उस कंडीशन में हमको ये बहुत ध्यान रखना होगा कि किसी भी तरह से ये इंटरफेस ना करे, वर्क के साथ इंटरफेस ना करे, वरना वो डैमेज करेगा सरफेस को फिनिश के साथ। दूसरा आता है हमारा नोज रेडियस। नोज रेडियस क्या होता है, नोज रेडियस बेसिकली स्मॉल रेडियस इज प्रोवाइडेड, स्मॉल रेडियस देना ही देना है हमें, जो नोज रेडियस है यहाँ पे जैसे इसे क्रॉस करके यहाँ पे लगाया है, दैट इज द टू डायग्राम आई एम शोइंग, क्रॉस फीड डायरेक्शन वाई प्लेन पे जेड प्लेन पे एंड हियर क्रॉस फीड डायरेक्शन, दोनों ये ब्रॉड नोज टूल है और ये इसमें नोज रेडियस कम है, यहाँ नोज रेडियस ज्यादा है, नोज रेडियस प्रोवाइड कराना है। अगर बहुत शार्प दे देंगे तो वाइब्रेशन के कारण वो एज ही टूट सकता है, इट में ब्रेक डाउन टूट सकता है, और अगर हम स्मॉल नोज देंगे लार्ज नोज देंगे तो उसके इम्पैक्ट्स अलग हैं, तो उसी को देखते हैं। स्मॉल रेडियस इज प्रोवाइडेड टू एब्जॉर्ब द लोड, स्मॉल रेडियस इज प्रोवाइडेड टू एब्जॉर्ब द लोड, बेसिकली सारा लोड नोज से लेके कटिंग एज तक फ्लो करेगा, तो फर्स्ट ऑफ नोज जो है वो सबसे ज्यादा पेनिट्रेट करेगा या डिप्रेस करेगा मटेरियल को वर्क मटेरियल पे, तो नोज को अगर हम रेडियस प्रोवाइड करेंगे तो एक तो उसकी स्ट्रेंथ आ जाएगी जिससे वो टूटेगा नहीं, एंड शॉक ड्यूरिंग द मशीनिंग, और अगर ये नोज रेडियस ज्यादा रहेगा तो इट इज एबल टू एब्जॉर्ब द ऑल द शॉक फ्लक्चुएशन ऑफ द लोड, क्योंकि जैसे जैसे नोज वर्क मशीन पे आगे चलता जाएगा उस पे लोड फ्लक्चुएट करता रहेगा तो वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगा एक, ठीक है। फिनिश टूल है तो लार्ज नोड रेडियस यूज करते हैं, और रफ टूल है तो स्मॉल रेडियस टूल यूज करते हैं। लार्ज रेडियस और स्मॉल रेडियस क्यों यूज करते हैं, क्योंकि रफ टर्निंग में अगर स्मॉल रेडियस यूज करते हैं ताकि हमारा डेप्थ ऑफ कट बढ़े, लोड ज्यादा आए, बहुत ज्यादा कम नहीं, आप रफ टूल का मतलब स्मॉल रेडियस से है, मतलब पॉइंटेड रेडियस से नहीं है, डोंट गेट कंफ्यूज, स्मॉल रेडियस एंड लार्ज रेडियस, स्मॉल रेडियस से हमारा डेप्थ ऑफ कट ज्यादा जाएगा थोड़ा से ही और कटिंग एक्सपोज होगा, एक बार जब हमारा फिनिश सरफेस हो जाए तो उसके बाद हम क्या करते हैं, जो लार्ज रेडियस का टूल यूज करते हैं, लार्ज रेडियस का टूल जो बेसिकली टूल मार्क और उसके ऊपर जो कर्सर जो मूव कर रहा है, जो उसको डैमेज कर दिया है सरफेस, उसको वो रिमूव कर देता, उसको वो बढ़िया बना देता, सरफेस स्मूथ कर देता है,
तो नोज का अपना एक एडवांटेज है। यहाँ पे नोज को लेके कंफ्यूजन नहीं कि स्मॉल रेडियस है या लार्ज रेडियस है तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। रेडियस है बट लार्ज एंड स्मॉल इट गिव द। दूसरी बात क्या है, हीट डेसिपेशन। अगर स्मॉल रेडियस है आपके पास तो हीट डेसिपेशन स्लो होगा, लार्ज रेडियस में हीट रेडियस ज्यादा फ्लो करेगा, हीट एक्यूमुलेट नहीं होगा। लार्ज रेडियस है तो इसमें हीट एक्यूमुलेट नहीं होगा, बट अगर स्मॉल रेडियस है तो इसमें हीट एक्यूमुलेट ज्यादा रहेगा। उस कंडीशन में भी हीटिंग ज्यादा जनरेट होगी वर्क पीस और टूल के सॉरी टूल और वर्क मटेरियल के बीच में हीट एक्यूमुलेशन ज्यादा होगा। दूसरा हमारा जो है स्ट्रेंथ तो रहेगी रूनोस पे। तीसरा क्या है, अगर बहुत ज्यादा रेडियस अगर हम इसको बढ़ा देते हैं, इफ वी इंक्रीज द लार्ज रेडियस ओवर दिस, सो चैटर्ड नॉइस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। कड़कड़ कड़कड़ की जो आवाज है उसके आने की संभावना बढ़ जाती है अगर रेडियस हमने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। तो ये रेडियस जो है ये इसको ज्यादा हम नहीं बढ़ा सकते हैं। तो दोनों चीजें हैं, पॉइंट रेडियस और लार्ज रेडियस, ठीक है।